किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसा खेला। अब पहुंच गए हम गोचर में और अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा पी रहे हैं। ये यूट्यूबर पहाड़ी आस्तो सिंह हमारे पायलट साहब प्रमुख। मन अंदर अंदर रोए गम सहता रहे अकेला, किसे अपना हाल सुनावा किसे अपने जख्म दिखावा, जो बीत गया कैसा धूले का सहरा सुहाना लगता है, धूले का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बहाना लगता है। जो आप नीचे देख रहे हैं ये है गोचर फील्ड के नीचे जो गोचर मार्केट है इसके नीचे, और जो आपको सामने पे नदी दिखाई दे रही है ये है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से ऊपर आती है और यही आगे चलकर हरिद्वार में गंगा बन जाती है। और एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं कि अभी यहाँ से जो ट्रेन का काम चालू हो रखा है यह गोचर में जो टनल है, दो टनलें बनी हुई है, तो ये यहाँ से निकलकर सीधे निकलेंगे आपके कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में भी इतना ही बड़ा स्टेशन बन रहा है। और ये नीचे पुल देख रहे होंगे, ये पुल क्योंकि स्टेशन उस साइड बन रहा है तो पुल इधर गाड़ियाँ जाने आने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक छोटा पुल है। ये है गोचर का कुछ सीन। अभी है हम गोचर हवाई पट्टी के नज़दीक।
समझ चूर है गई हल्का पटवे बोतल शराबा तू छ बड़ी खराबा लाल बोतल शराबा तू छ बड़ी खराबा अब क्या करूं रे न समझ चूर है गई अब क्या करूं रे न समझ चूर है गई अभी हम शादी से ही वापसी के लिए आ गए हैं और घर आते आते हमें रात हो गई है तभी हम जा रहे हैं घर के लिए और हम बैठे हैं भी गाड़ी की छत में ये है हमारा पहाड़ी लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं रात्रि के वक्त हम घर के छत में बैठे हैं इंजॉय ले रहे हैं अब है अगली सुबह और यहाँ पे न्योता लिखवाने का जो कार्यक्रम होता है यहाँ पे बैठे हैं तो जो लोग अन्य गांवों से आते हैं तो वो यहाँ पे न्योता लिखवाते हैं तो अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही डिफरेंट और अलग टाइप का ककड़े का पेड़ दिखाते हैं जो झील है ये जो सामान्य ककड़े का झील होता है उससे काफ़ी अलग है और इसलिए मैंने इस ककड़ी के झील को इस वीडियो में ऐड किया है तो ध्यान से देखिए इस ककड़ी के झील को और नाम क्या है इसका इस जाति प्रजाति का आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें स्वर्ग तारा जुनिया लिए रहा ताहा को सुन लो आए हाय को सुन लो तेरी मेरी बात स्वर्ग तारा भात होनी उजालो चुनी को गुलाबी रंग भात खिलो तेरी चुनी को आसमान भात होनी उजालो चुनी को गुलाबी रंग भात खिलो तेरी चुनी को स्वर्ग तारा जुनिया ले रहा था कब होली आए है कब होली मेरी मुलाकात स्वर्ग तारा स्वर्ग तारा जुनिया ले रहा था को सुन लो आए है को सुन लो तेरी मेरी बात स्वर्ग तारा देखी रे
तो यहाँ पे एक साइड गांव के बच्चे लोग खाना खा रहे हैं और एक साइड गांव के बुजुर्ग लोग। तो यही बात है पहाड़ों में कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पंडितों का हाथ का ही खाना खाते हैं और गांव की महिलाएं हैं तो वो भी पंडितों का ही हाथ का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों और युवाओं के लिए पंडित जी दे रहे हैं ये भोजन को अलग और ले जा रहे हैं भात को अलग वाले चौक।